अम्मी जी पहले दो चार लड्डू मुझे दे दो, मैं काम पे जा रहा हूँ, जल्दी दे दो मुझे। अरे मेरे बेटे, पहले मोदी जी अपने घर पे आए दावत खाने के लिए, इनके लिए मैंने बेसन के लड्डू बनाए, पहले इन्हें तो खिला दूं मैं। अरे मम्मी जी आप भी बेबालतू की बात कर रही हो, मोदी जी कहीं भागे दौड़ी जा रहे हैं, वो तो घर पे है ही, उन्हें बात को बेसन के लड्डू खिलाते ही रहना। मैं काम पे जा रहा हूँ, काम करने के लिए जा रहा हूँ, मजदूरी पे, मुझे दो चार लड्डू दे दो। अरे बहन सोनिया जी, राहुल जब कह रहा है तो उसे दो चार लड्डू दे गुना दो पहले, मैं तो खाट पे बैठा हुआ हूँ ही, कहीं भागा दौड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बात को लड्डू खाता रहूंगा। राहुल को काम पे जाने के लिए देर हो रही है, उसे दो चार लड्डू दे दो। अरे मोदी जी आप नहीं जानते हो, राहुल को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। अगर इसने एक भी लड्डू खा लिया तो इसे इतने पसंद आएंगे, जितने भी लड्डू यहाँ पे रखे हैं ये सब लेके चला जाएगा। मुझे आपके लिए और बेसन के लड्डू बनाना पड़ेंगे। राहुल बेटा पहले मोदी जी को बेसन के लड्डू खा लेने दे। तुझे मैंने हमेशा बताया है, मेहमान भगवान के समान होता है, मोदी जी अपने घर पे मेहमान बन के आए हुए हैं। पहले मैं एक प्लेट भर के मोदी जी को बेसन के लड्डू खिला दूं, फिर जितने लड्डू बचेंगे वो सारे के सारे तू ही खाते रहना। देख मोदी जी अपने घर पे बेसन के लड्डू खाने के लिए आए हुए थे मेहमान बनकर, और बेसन के लड्डू मैं अकेले बना नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने बहन मायावती जी को बेसन के लड्डू साथ में बनवाने के लिए बुलाया था पड़ोस से। अरे बहन सोनिया जी आप भी बेबालतू की जिद कर रही हो, एक प्लेट भर के लड्डू जो नीचे रखे हैं ये सारे के सारे राहुल को दे दो, वो काम पे चला जाएगा। मम्मी जी एक बात बताओ, जब मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो नीचे लड्डू से भरी हुई प्लेट रखी हुई है ये मुझे दे दो, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दे रही हो? मेरे बेटे एक प्लेट लड्डू देख मेरे हाथ में है, ये मैं मोदी जी को दे रही हूँ, और एक प्लेट लड्डू जो नीचे रखे है इसे मैं तुझे दे देती हूँ, और जो कढ़ाई में अभी लड्डू बनाने को रह गए इन लड्डुओं को बना के मैं और बहन मायावती जी मिलके खा लेंगे। ले जो जमीन पे नीचे प्लेट रखी हुई है लड्डुओं से भरी हुई, ये लेके जा और काम पे चला जा। लेकिन बहन सोनिया जी कुछ भी कहो, आपके हाथ के बने हुए ये बेसन के लड्डू होते बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं साल में एक बार आपके घर पे बेसन के लड्डू की दावत खाने के लिए जरूर आता हूँ। मोदी जी ये बेसन के लड्डू अकेले बहन सोनिया जी ने नहीं बनाए, मैंने भी बनाए, साथ में कुछ तारीफ भी मेरी भी कर दो, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी जब तक बर्दाश्त करने की थी तब तक मैंने बर्दाश्त की, अब मैं बिल्कुल किसी हाल में भी नहीं मानूंगा। तुम्हारे और मेरे खेत की मेंढ एक ही है, और तुमने पूरी की पूरी मेंढ काट डाली। अब इस मेंढ को मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी पूरी की पूरी काट डालता हूँ, अब मैं नहीं मानूंगा। मैं तो आज तक यही सोचता हूँ कि पड़ोसी इतने ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, लेकिन तुम तो मेरे खेत के ऐसे पड़ोसी हो, सारी की सारी मेरी मेंढ काट डालती हो। राहुल चलो मैंने इस मेंढ को अब काट दिया, तुम मेंढ को छोड़ती हो। पिछली बार गेहूँ की फसल में तुमने पूरी की पूरी मेंढ को सफाया कर दिया था, सिर्फ पतला सा छोड़ा था, अब बताओ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मोदी जी एक बात बताऊँ, इंसानियत की बात कहूँगा मैं, आपने राहुल की कुछ ज्यादा ही मेंढ काट डाली, सारी की सारी मेंढ काट डाली। अब राहुल मेंढ काटेगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। रामू जी जाके अपने खेतों में काम करो, ये मेरे और राहुल के बीच का मामला है, हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे। नहीं लालू जी तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं पे खड़े रहो। मोदी जी एक बात बताओ, ऐसे कैसे सुलझा लोगे? तुम सारी की सारी मेयर काट डाल रहे हो, कम से कम गांव के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। लो अखिलेश भी आ गए, अखिलेश इधर आओ, ये देखो मोदी जी सारे की सारी मेयर काटे डाल रहे हैं। अखिलेश आ गए, अच्छा हुआ, यही बताएगा पिछले साल तुमने कितनी ज्यादा मेयर मेरे इस खेत की काटी थी। अखिलेश तुम हिसाब साफ बताओ, देखो सच बताना। चलो इस बार खेत की मेंढ को मैं काटी ले रहा हूँ, लेकिन पिछले साल राहुल ने मेरी इस खेत की मेंढ को कितना काटा था तुम साफ साफ बताओ। देखो राहुल मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, पिछले साल भी तुमने मेंढ को बिल्कुल सफा कर दिया था। मोदी जी तो इस मेंढ को कम काट रहे हैं, लेकिन पिछले साल तुमने मेंढ को बहुत ज्यादा काटा था। अखिलेश तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? ये मेरा और मोदी जी के आपस का मामला है, हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा राहुल अभी लालू जी को तुम रोक रहे थे, लालू जी तुम्हारी तरफ की कह रहे थे, अब अखिलेश मेरी तरफ की कह रहा है, तुम अखिलेश को जाने को कह रहे हो? अखिलेश तुम यही कह रहे हो? लेकिन मोदी जी ना मैं तुम्हारी ना राहुल की तरफ से कहूंगा, मैं साफ साफ कह देता हूँ ना मेंढ को तुम काटो ना राहुल काटेगा, तुम आपस में खेत के पड़ोसी हो, दोनों लोग मिलजुल के रहो। वैसे राहुल लालू जी कह तो ठीक रहे, आज के बाद ना खेत की मेंढ को मैं काटूंगा ना तुम काटना, समझे? नहीं तो झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। चलो मोदी जी आपने जितनी मेंढ काट ली है उतनी तो मैं काट लूं, उसके बाद आप मत काटना, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी इसीलिए मैं आपके साथ दावत पे नहीं आना चाह रहा था, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ पर खींच के ले आए। ये बताओ आप तो कह रहे थे कि लालू जी ने बहुत अच्छी दावत पे बुलाया है, ये अच्छी दावत इन्होंने तो आराम से रोड पे बैठा दिया लाइन लगा के सबको, और हाथ में एक बंद प्याली दे दी, पता नहीं इस प्याली के अंदर क्या होगा खाने के लिए। मोदी जी यही है लालू जी के अच्छे अच्छे पकवान, आप तो कह रहे थे बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। राहुल
राहुल भड़को मत, तुम तो बेफालतू में भड़के जा रहे हो। मैंने रोड पे यूं ही नहीं बैठा रहा तुम सब लोगों को। अब एक बात बताओ, तुम सब लोग इतने लोग दावत खाने के लिए आए हो, पूरी भीड़ है और मेरे घर में एक कमरे की जगह है, मैं एक कमरे में कहाँ तक इन लोगों को बैठा लूँ? एक कमरे में इतने लोग बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को रोड पे बैठा दिया। और डिब्बे खोल के तो देखो, जो तुम्हारे हाथ में ये डिब्बे हैं, देखो इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं। अच्छे पकवान जाने क्या है, मैंने खोल के देखने के लिए लालू जी, दो पूरी रखी हुई है और सूखे आलू रखे हुए। इन मनमोहन जी के कहने में मैं भी यहाँ पर दावत पे आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। एक तो लालू जी ने रोड पे बैठा दिया, ऊपर से डिब्बे में सिर्फ दो पूरी और सूखे आलू है। योगी जी इस तरीके की बातें नहीं करते, लालू जी से जो बन पड़ा उन्होंने अपना लोगों को बना के खिला दिया। अब ये बताओ दो पूरी हो या चार पूरी हो, इससे क्या लेना देना, जो मिल रहा है उसे खा लो। मोदी जी इन डिब्बों के अंदर दो पूरी और आलू है और साथ में ये देखो मेरे हाथ में अचार है, अचार भी खा सकते हो तुम सब लोग। वैसे राहुल एक बात बताओ, मेरी ये रोड की दावत तुम सब लोगों को कैसी लगी, पसंद तो आई तुम सब लोगों को? देखो लालू जी, मुझे खाने से तो कोई एतराज नहीं है, दो पूरी और आलू तो बहुत अच्छी है तुम्हारे, और अचार भी तुम्हारा बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हें रोड पे नहीं बैठाना चाहिए था। रोड पे बैठाने से बड़ा दिक्कत हो रही है बैठे बैठे, एक तो इन पैरों के बल पे बैठा नहीं जाता, बड़ा दर्द होता है। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी दावत थी तुम्हारी बहुत अच्छी दावत थी, मजा आया खाने में। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश बाबू, जिस काम में तुम जुड़ जाती हो उस काम में घाटे का नाम भी जुड़ जाता है। अरे मैं तुमसे कह रहा था कि तुम इस काम पे मत आओ, मत आओ, तुम्हारे आते ही नदी में से रेता भी निकलना कम हो गया। अरे मैंने जैसे तैसे करके नदी में से रेता निकालने का ठेका लिया था, लेकिन ठेके में घाटा हो रहा है। अब पता नहीं घाटा क्यों हो रहा है, मुझे तो ये लगता है जिस काम में तुम मेरे साथ हो जाते हो उस काम में घाटा ही होता है। पिछली बार अपनों ने आलू का बिजनेस साथ में किया था, बहुत लंबा घाटा लगा था, आलू सारे के सारे सड़ गए थे, बेच ही नहीं पाए अपना। अब मैंने नदी में से रेता निकालने का ठेका लिया है कि रेता निकाल निकाल के बेचूंगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं, योगी जी, राहुल और लालू जी मिलके काम कर रहे थे, अच्छा रेता निकलना था नदी में से, लेकिन जैसी तुम्हें साथ में किया नदी में से रेता निकलना बिल्कुल बंद हो गया। ये थोड़ा थोड़ा सा नदी में से रेता निकलना है, उसी रेते को सर से ढो ढो के बाहर को निकालना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इतना रेता निकलना था कि मुझे योगी जी का बुलडोजर जीसीपी बुलाना पड़ गया था, उसी से रेता निकलवाया था मैंने और ट्रैक्टर ट्राली से ढुलवाया था। अरे इसका मतलब मोदी जी तुम मुझे पनौती बोल रहे हो? पनौती तो मैंने तुम्हें नहीं बोला, पनौती तो तुम अपने आप को खुद कह रहे हो। अरे मोदी जी बस भी करो, तुम तो बेफालतू में अखिलेश के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, बेफालतू की फेंकते रहते हो। अरे सारे का सारा रेता मेरे बुलडोजर से निकलवा लिया तुमने, अच्छा फायदा हो रहा है, तुमने जितने का ठेका लिया था नदी से रेता निकालने का उससे डबल रेता बेच चुके तुम, और कह रहे हो कि अखिलेश के आते ही रेता खत्म हो गया। अरे जब नदी में से सारा रेता निकाल लिया तो क्या बचेगा उसमें? अरे भाई मोदी जी अब बस भी करो, कब तक रेता निकलवाते रहोगे इस नदी में से? बिल्कुल खुक्कल कर दोगे नदी को, तुमने हाथ ही डुबाओ गड्ढे कर दिए इस नदी के अंदर, कितना रेता निकालोगे? पहले तुमने योगी जी के बुलडोजर से निकलवाया रेता, फिर अब तुम टोकरियों से निकलवा रहे हो, सर पे ढुलवा रहे हो, अब क्या थोड़े दिन बाद हाथों से निकलवाओगे थोड़ा थोड़ा सा? और इल्जाम बेफालतू में अखिलेश के ऊपर लगा रहे हो कि अखिलेश जब से आया है रेता निकलना कम हो गया, ये कोई बात नहीं हुई। तुम सबको तो ऐसी मेरा फायदा दिखता है, ऐसे देखने से कुछ थोड़ी होता है, कागज को देखो, मेरे कागज पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना घाटा हुआ है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।